झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में इन दिनों सीआरपीएफ सिविक एक्शन प्लान के तहत जनता से सीधे मुखातिब हो रही है। इस दौरान आम लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। सीआरपीएफ की यह पहल एंटी नक्सल ऑपरेशन का हिस्सा है। किसी ने पुलिस जुल्म के खिलाफ हथियार उठाया तो किसी ने बेरोजगारी और करप्शन से ऊब कर लाल सलाम को अपना लिया। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह की कई कहानियां आम हैं। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो वक्त के सीने में दफन है। लेकिन अब तक जो सच्चाई सामने आई है वो ये कि बेरोजगारी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जनता को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने की साजिश में जुटे हैं नक्सल। लेकिन लगता है अब नक्सलियों की साजिश नाकाम होने वाली है। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले गुमला में सीआरपीएफ ने लोगों के साथ संवाद कायम की अनोखी कोशिश की है। गुमला के जोराग गांव में सीआरपीएफ के 218वें बटालियन ने सिविक एक्शन प्लान के तहत एक कैंप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ ने नक्सलियों के गढ़ में अपनी धमक दिखाई है। यहां केंद्रीय पुलिस बल के आला अफसर न सिर्फ गांव वालों की समस्या से रूबरू हुए बल्कि नक्सली खतरे को लेकर उन्हें आगाह भी किया। इस स्पेशल कैंप में बच्चों को पढ़ने लिखने का सामान मुफ्त दिया गया। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की डॉक्टरी हुई। सीआरपीएफ ने इस मौके पर गांव वालों की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। ये है कि लोगों के बीच में एक विश्वास कायम करना, उनको भरोसा दिलाना कि आप मुख्य धारा से जुड़िए और जो सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो लोगों की सुरक्षा देने के लिए। इस मौके पर आसपास के गांव के करीब 1000 लोगों ने कैंप में शिरकत की। सीआरपीएफ ने इस मौके पर महिलाओं को पानी जमा करने की टंकियां, बाल्टी, कंबल, रेडियो और कई दूसरे जरूरी सामान दिए। इस मौके पर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। मतलब पब्लिक में आपस के संबंध अच्छा बनेगी और इस तरह की जो आए दिन घटना घटती है उसमें मतलब कि पब्लिक उसको पुलिस को मदद करेगा, पुलिस भी पब्लिक का मदद। सीआरपीएफ की इस पहल से जहां जनता में पुलिस को लेकर विश्वास बढ़ेगा वहीं ग्रामीणों के दिल से नक्सलियों का खौफ खत्म होगा।